मुझे पूरा उम्मीद था आपने पहले तो मैं खुदावंद आलम का शुक्र अदा करता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद था क्योंकि मैं जो 5 साल जो हमने काम किए थे लोगों ने काम के हिसाब से वोट दिया। आने वाले वक्त में एक बार फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी है अपने इलाके के डेवलपमेंट के लिए, किस तरह की कोशिशें रहेगी? कोशिशें सर पहले भी किए हैं, जो हमारा जो विजन था, विजन में जो आपको पता है कि 2019 के बाद बाइफरकेशन के बाद थोड़े से प्रॉब्लम्स आए ड्यूटी बनने के बाद और 2 साल हमारे कोविड में भी जाया हो गए। इस साल पूरे 5 साल इंशाल्लाह हम जो पेंडिंग वर्क्स होगा वो हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह। लोगों ने इतनी बड़ी मार्जिन से जिताया है, लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? लोगों का मैं खरुल से लेके खरुल हरदस्थंग हरदसगुंड मुनथंग छानीगुंड हरल खुंदा मजिदास बड़गाम लातू करगिच्छू सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखसूस जवानों का। इस बार जवानों का जोश था क्योंकि इसलिए हमने बड़े मार्जन से पहली बार हमारी कंस्टिट्यूएंसी में पहली बार इन्हें बड़े मार्जन से हमने जीत लिया है। अल्ताफ साहब, हल का निशान मिलने के बाद आपको कितना फायदा मिला? हल का निशान का यही फल मिला है हमें। हल का निशान हमें मिलने से ही ये बड़ा मार्जन मिला है। अगर हल का निशान नहीं मिलता तो हम 50 या 100 वोट से जीतते। ये मार्जन हमारे हल का निशान का है और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने स्मूथली इलेक्शन चलाया और हमारे लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने कोऑपरेटली कोई दंगा फसाद के बगैर इलेक्शन को इतना स्मूथली चलाया जैसे कोई फ्रेंडली कोई मैच खेलते हैं उस तरह चलाया। और हम अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट साहब हजी हनीफा जान साहब, हमारे कंबर अली आखुन साहब, हमारे और हमारे हाईकमान के उमर अब्दुल्ला साहब, गुलाम रसूल नकवी साहब, फारूक साहब, उन साहब का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारा हल का निशान वापस लाया और इसकी वजह से अब आज हमारी सबसे बड़ी सबसे सबसे बड़ा मैंडेट कारगिल में सबसे बड़ा मैंडेट हमें मिला है।